भैया ये तो सूखी भी है, ये कोयटे का हना लेक है जो बहुत सुन के हम आए थे, चूंकि कोयटा में बारिशें नहीं हुई है इस वजह सूखी है, सूखी हुई है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है कोयटा का। कोयटा में वैसे बहुत कम जगह हैं घूमने वाली, बट ये वन ऑफ देम है, हना लेक, जिसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है। बट यहाँ पे पास में बोटिंग वगैरह भी होती थी। इसका एरिया तो काफ़ी वसी और अरीज है, लंबा चौड़ा एरिया है। और यार जो ये वही पहाड़ हैं जिनके कल हमने जिन पे जो है वो ज़्यारत की तरफ ट्रैवल करा था। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये वही पहाड़ है। यह ना लेक है जो कि इस वक्त सूखी पड़ी है, ड्राइड है पूरी। और इसका रीज़न ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारिश ने इसकी वजह से ये ड्राई हो गई है। इसे हमने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया, देखा है, बट ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है, जैसे कि हमारे कराची में केंजर लेक के ऊपर जो मामलात हैं, उसी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह और सिटिंग प्लेसेस और रिज़ॉर्ट टाइप चीज़ बनी हुई है। और ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, और ऊपर गालबन से हिल व्यू भी है इसका। वहाँ पर देखते हैं जाकर क्या सीन चल रहा है ऊपर। तो ये एक रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है ऊपर जाने का। दूर कहीं कुछ आबादियाँ भी हैं, मे बी शायद रेस्ट हाउसेज या गेस्ट हाउस वगैरह हैं। बोटिंग वोटिंग भी हुआ करती थी पास्ट में, बट चूँकि देख सकते हैं यहाँ पे कश्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, सूखी हुई, सारी कश्तियाँ सूखी पड़ी हुई हैं, चूँकि अब यहाँ पे पानी ही नहीं रहा, खुश्क हो चुकी है ये। ये बीच में कोई चीज़ बनी हुई है, मदार है, मकबरा, क्या चीज़ है, कहते हैं कि पूरी ढकी हुई होती थी जब पानी होता था। तो ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई। जगह काफ़ी सुकून वाली है, चिलिंग स्पेस हो सकता है। आप यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुकून दे जगह है, बेहद सुकून है। ये आप पत्थर देख सकते हैं, ये बेसिकली एक चिलिंग पॉइंट है, काइंड ऑफ। ये लोंडे खड़े हुए, हमने लोंडे यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, पर ये काफी पुराना लग रहा है, 2-3 साल पुराना पानी है, ये नहीं पी सकते। दिखा दे, दिखा दिया, दिखा दिया, इधर इधर ये तस्वीर खिंचवा रहा है। आगे ही आगे रास्ता जाया जा रहा है, ये साइड ग्रिल जो उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे कोई पुरानी ग्रिल भी लगी हुई है, पुल नुमा कोई चीज़ है, चल के देखते हैं। बहुत ही कादर तवज्जो, आइसोलेशन और सुकून है यहाँ पर, बेहतरीन चिलिंग स्पेस है, सुकून के लिए आ सकते हैं। बाकी झील वाली सैर व तफरी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का पाइप जा रहा है। और ये बेहतरीन आप देख सकते हैं, यहाँ से सीनरी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही कोई प्यारा व्यू है। चिलिंग स्पेस है, चिलिंग स्पेस है। अल्लाह हू अकबर। हेलो, वी आर फ्रॉम कराची, हम कराची से हैं। यहाँ पे एको देख सकते हैं आप, कि पहाड़ों की वजह से जो एको साउंड आ रहा है। इस तरफ चलते हैं ना,
यहाँ से गए लोग रास्ता इस तरफ से यहाँ से गए। यार यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप हो सकता था। सुकून देख रहा है कैसा है यार, बहुत प्यारा सुकून है। कोई ये देखें आप, मुबशिर अबे ले आते यार, इधर कर लेते बारबेक्यू यार। मुबशिर अब यहाँ से ऊपर चलते लैला और लैला से निकाली गई है। ये वो प्लेस है जो कि अली जफर के सॉन्ग में है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं, पता नहीं बंद बनाया हुआ है शायद कोई। निकल निकल। ठट्टो डैम जैसा व्यू लग रहा है कुछ कुछ, कराची का ठट्टो डैम। और ठट्टो डैम में पानी ज़्यादा है इससे। आपको एको चेक करवाते। हेलो कराची, हेलो कोटे, और ये सामने से मंगोल आ रहे हैं। ये आप देखें, ये तीन मंगोल आ रहे हैं सामने से। अंदर भी कुछ है। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसी जगह में नहीं घुसा करो। नहीं कर रहा, लैंड टॉर्च कर रहा है बेटा, वो जगह देख रहा है, मुट्ठी उड़ा रहा है। जब्बा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता यार। लहरा था हुआ पानी यहाँ पर आ रहा है। ये नहाने के तो लायक था ही नहीं पानी, तुम ये नहाने नहीं है नहाने वाला पानी। आप लोग कह रहे थे डर्टी डर्टी पानी, डोटी डोटी। हम आगे तक नहीं गए यार, वहाँ पर अगर तो इस तरह का होता ना यार, पहाड़ों पर सैर करवाते भाई। मैं चल कुछ नहीं है यार, चल गया, अबे चल गया। अब लैंड कर जाएगा। अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क के सूबे बलूचिस्तान को बेपनाह खूबसूरतियों से नवाज़ा है। ये वाला ट्रिप हमारी कम से कम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप रहा है। इसमें हमारी बहुत मदद हुई है, खुदाई मदद कह सकते हैं। आज धूप निकली हुई है, मतलब कल हम दुआएं कर करके ज़्यारत गए थे बर्फ़बारी में, और बर्फ़ पड़ गई, स्नोफॉल हो गया, तो हमें ज़िंदगी में पहली बार लाइफ स्नोफॉल देखने को नसीब हुआ है। तो बलूचिस्तान एक डिफरेंट तरह की ब्यूटी है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग नॉर्दर्न एरियाज़ को तो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बट बलूचिस्तान में श्योरली एक डिफरेंट तरह की ब्यूटी है। तो मैं इनक्रेज करूँगा कि लोग बलूचिस्तान को भी एक्सप्लोर करें, लाइक जिस तरह से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को प्रेफर करते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, बहुत तंग आ गया हूँ भाई। तुम बताओ भाई, गरीबों के घर वापस जा रहे हैं भाई। बहुत चलो भाई, चलो नाला ठोकर दे। अशीर आपकी वजह से तंग आके जा रहे हैं। चुप कर तू। हाँ भाई मजा आया। हाँ तो बरो बरो भाई, मुझे तो बहुत मजा आया भाई। भाई मजा तो आया है ना सबको, नहीं है मुझे। हाँ भाई आप जो बहुत मजा आ गया।